सभी का स्वागत है। और देखिए आप सभी के सामने एक जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। सवाल आता है कि कल मार्केट में कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, आपको कहां पर बाइंग या कहां पर सेलिंग करना चाहिए, उसके पीछे का क्या लॉजिक होने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो एक जगह आपको देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा और जितना बड़ा चार्ट उतने बड़े लेवल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अगर हम बात करें एक जगह मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में देखिए आप सभी को देखने को मिलेगा कि मार्केट में काफी अच्छी खासी देखिए एक जगह गैप के साथ ओपनिंग आपको देखने को मिली। और इस जगह देखिए कुछ लेवल भी मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट देखिए इस जगह देखिए इस वाले लेवल के ऊपर, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पे कि अगर मार्केट देखिए 35,650 के आसपास अगर ऊपर निकलता है तो एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिलेगी। उसमें मैंने आपको यह भी क्लियर किया था कि मार्केट अगर देखिए ऊपर की साइड आपका गैप के साथ ओपन होता है तो ऊपर की साइड हम इस जगह सीई बाइंग नहीं करने वाले, क्योंकि ऊपर की साइड देखिए बाइंग करने का कोई इस जगह मतलब नहीं निकलता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और मार्केट में अगर आप देखो तो मार्केट देखिए इस जगह एक कैंडल आपको देखने को मिला, उसके बाद दो कैंडल, और इस वाली कैंडल पे देखिए आपका इस जगह बिल्कुल देखिए पता चल चुका था कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर नहीं टिक पा रहा है। क्योंकि अगर आप मार्केट में देखोगे तो 36,080 के आसपास का देखिए इसने हाई मारा, इस जगह मैं लिखना भी चाहूँगा 36,080 के आसपास का इसने हाई मारा, और वहाँ से अगर आप देखोगे तो लगातार इसमें सेलिंग आपको देखने को मिली। और नीचे की साइड देखिए इसने जो लो मारा है वो इस जगह देखिए 35,760 के समथिंग का मारा। तो एक चीज तो देखिए क्लियर है कि जिन लोगों ने देखिए मार्केट ओपन होने के बाद देखिए इस जगह सीई बाइंग किया उनका प्रॉफिट नहीं बनाए बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट बनाए लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट नहीं बनाए, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो बड़ी बड़ी सेलिंग आपको इस जगह देखने को मिली, जो कि मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे लेते आते हुए दिखाई दिए। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट दिखाई देता है, जो कि देखिए अगर हम बात करें तो 35,700 का एक इंपॉर्टेंट देखिए इसके अंदर सपोर्ट हमको दिखाई देता है। अब सवाल आता है कि कल के दिन हमको कैसे ट्रेड लेना चाहिए, तो आज के लाइकों का देखिए एम मैं आपको बता देता हूं कि आज का लाइक का एम है इस जगह 1,000 लाइकों का। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको पूरा करोगे। अब चलिए इस जगह हम समझते हैं कि देखिए जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर कॉल आपको अपडेट किया था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा अपडेट दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो देखिए इस जगह 35,800 का हमने कॉल दिया था और लास्ट में इसने जो हाई मारा था वो कहीं ना कहीं देखिए इस जगह 390 के समथिंग का देखिए इसने हाई मारा था। और जो देखिए ग्रुप में देखिए जितने लोग ज्वाइन हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया, तो इसके लिए तो देखिए एक लाइक बनता ही बनता है, क्योंकि हम अच्छा काम कर पा रहे हैं। और बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हमने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया। देखिए इस जगह दो चीजें मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सेटअप बता देता हूँ, फिर आपको ऑप्शन चेन बता दूंगा और फिर उसके बाद ट्रेड बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए सेटअप हमने बात किया था कि मार्केट अगर इस प्राइस के ऊपर देखिए ये वाला, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ बोला था कि मार्केट अगर इसके ऊपर देखिए जो 35,700 वाला लेवल है अगर इसके ऊपर कंसोलिडेट करके देखिए ब्रेकआउट देता है तो इस जगह हम सीई बाइंग करके चल सकते थे, ठीक है। लेकिन मार्केट में क्या हुआ कि जब पूरा गैप देखने को मिला, जब पूरा गैप देखने को मिला जिससे हमको जो सीई बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी वो नहीं देखने को मिली। फिर ऊपर की साइड हमने पीई क्यों बाइंग किया, क्योंकि मार्केट में देखिए जो ऊपर वाला जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है जो साइकोलॉजी लेवल है, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 36,000 एक आपका साइकोलॉजी लेवल इस जगह दिखाई देता है, ठीक है। तो मार्केट आपका उसी जगह देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया काफी समय तक। फिर जैसे ही देखिए मार्केट ने इस वाले देखिए प्राइस को नीचे की साइड देखिए ब्रेकआउट दिया, नीचे साइड देखिए ब्रेकडाउन दिया, तो उसके बाद देखिए मार्केट इसके ऊपर कभी नहीं आया, यहाँ पे अगर आप देखो तो कभी नहीं आया। तो यहाँ पे हम जे बिल्कुल समझ कर चल सकते हैं कि 36,000 का हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है। अब इसमें सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट इसमें दिखाई देता है, जो कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे 35,700 का हमारा सपोर्ट दिखाई देता है। यानी मार्केट में अगर हम रेंज की बात करें तो पूरा मार्केट में जो रेंज आपका निकल के आता है वो इस जगह 300 पॉइंटों का दिखाई देता है, ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अब हम समझते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है। तो
मार्केट की क्लोजिंग हुई है 35,832 रुपए पे, ठीक है, मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है। अगर मार्केट आपको नीचे की साइड मिलता है, जो कि अभी मैंने आपसे बात किया 35,700, मान लीजिए कि मार्केट आपको 35,700 आपका कल के दिन मिल जाता है, इस प्राइस के आसपास अगर आपका मार्केट मिलता है तो इस जगह देखिए हम सीई बाइंग करके चल सकते हैं, यानी नीचे की साइड हम सीई बाइंग करके चल सकते हैं। और फिर हमारा देखिए यहाँ पर टारगेट क्या होगा, तो पहला टारगेट आप इस जगह समझ लीजिए, पहला टारगेट आपका इस जगह 35,800 का होगा, दूसरे टारगेट की बात करें तो 35,900 का होगा, और लास्ट टारगेट आप सभी को पता है क्योंकि ये साइकोलॉजी लेवल है इसलिए आपका 36,000 का होगा, यानी इस जगह हम 300 पॉइंटों के लिए इसमें काम कर सकते हैं अगर मार्केट हमको नीचे की साइड मिलता है तो। चलिए बात कर लेते हैं इस जगह ऑप्शन चैन की। तो देखिए अब मैंने आप सभी के सामने ऑप्शन चैन ओपन किया है, जो कि देखिए आपको देखने को मिलेगा 2 जून का आपको देखने को मिलेगा, और 2 जून का देखिए ऑप्शन चैन आपको इस जगह मैंने ओपन करके रखा है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन चैन में अगर मैं बात करूँ तो 2 जून के देखिए ऑप्शन चैन में आपको डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऊपर की साइड का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो 36,000 वाला लेवल है वहाँ पे देखिए पोजीशन काफ़ी हाई है, यानी अगर हम बात करें तो 1,22,000 के आसपास का देखिए आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे जाता है, ओआई आपको दिखाई दे जाता है। 60,000 के ऊपर का देखिए आपको क्या दिखाई दे जाता है, यहाँ पे चेंजिंग दिखाई दे जाता है, यानी अगर हम बात करें तो लोगों ने देखिए इस जगह काफी ज्यादा देखिए इस जगह कॉल बाइंग किए हैं, जिसके वजह से जो मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। नीचे की साइड की अगर हम बात करें तो नीचे की साइड देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा 35,700 इस वाली लेवल पे अगर आप देखो तो ये लेवल देखिए कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में इस जगह हल्की पोजीशन आपको इस जगह दिखाई देती है, तो मार्केट का एक जो आपका सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो आपकी रेंज आपको दिखाई देती है वो 300 पॉइंट की दिखाई देती है। नीचे की साइड देखिए इस जगह आपको 35,700, ऊपर की जगह देखिए इस जगह 36,000, ये 300 पॉइंट के आसपास देखिए मार्केट आपका इस जगह समय बिता सकता है। देखिए मार्केट आपका कल के दिन देखिए तेजी भी आपको दिखाता है, तो कहीं ना कहीं देखिए आपको उस तेजी में फंसना नहीं है। आप मेरी बिल्कुल बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए कि आपको तेजी में फंसना नहीं है, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बॉक्स लगा के, जो कि देखिए इसके हाई से, देखिए इसके हाई से हमने एक बॉक्स इस जगह लगाया, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस बॉक्स में देखिए इसको पूरा कवरिंग करते हैं हम नीचे की साइड, जो देखिए पूरा कवर मैंने आपको किया है इसको, देखिए मैं बिल्कुल इस जगह देखिए इसके लेवल पर लगा देता हूँ। अब हमको यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट एक बॉक्स में काम करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट आपको ऊपर की साइड मिलता भी है, अगर देखिए मार्केट कल के दिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपको 36,100 के समथिंग आपको मिलता भी है, मार्केट देखिए इस जगह गैप अप ओपनिंग आपको ऊपर की साइड दे देता है, तो आपको ऊपर की साइड बिल्कुल आप इस चीज को समझिए कि आपको सीई बाइंग नहीं करना है। अगर देखिए गैप अप ओपन होने के बाद ये 36,100 के आसपास थोड़ा समय बिताता है और समय बिताने के बाद फिर नीचे की साइड आता है, तो इस जगह हम फिर से क्या बाइंग कर सकते हैं, पीई बाइंग कर सकते हैं। आज के दिन भी आपने देखा होगा कि मार्केट देखिए काफ़ी समय तक देखिए इस जगह समय बिताते रहा, और समय बिताने के बाद फिर मार्केट ने देखिए नीचे की साइड इस लेवल पर देखिए ब्रेक डाउन दिया, और उसके बाद अगर आप देखो तो अच्छी खासी देखिए आपको इस जगह प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जो कि कहीं ना कहीं 300 पॉइंटों के आसपास थी। तो अगर मार्केट हमको इस जगह देखिए 36,100 के समथिंग मिलता है, तो मार्केट में हम इस जगह पीई ही बाइंग करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा देखिए जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा, जो पहला टारगेट होगा 36,000 के समथिंग का, दूसरा टारगेट हमको इस जगह देखने को मिलेगा 35,900 के समथिंग का, और लास्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो इस जगह लास्ट टारगेट 35,750 के समथिंग का, यानी अगर हम बात करें तो इन 3 टारगेट के लिए मार्केट में हम काम कर सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में देखिए एक तेजी आने के बाद मार्केट ने जो ऊपर की साइड से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है वहां से देखिए मार्केट मुझे साइडवेज आपको काम करते हुए दिखाई दे सकता है। मार्केट कुछ समय देखिए इस वाली रेंज में आपको बिताते हुए दिखाई दे सकता है। अगर इस रेंज में देखिए मार्केट बिताता है अपना समय, तो मार्केट में आपको सिंपल ऊपर की साइड इस जगह सेलिंग करना है और नीचे की साइड आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखना है। तो ये भी बता देता हूँ कि मार्केट अगर देखिए नीचे की साइड इन सपोर्टों को तोड़ता है तो आप कैसे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा एक पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको इस जगह दिखा देता हूँ। नीचे की साइड से अगर आप देखो तो मार्केट इसको देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। ऊपर की साइड से अगर आप देखो तो ऊपर की साइड से आपको एक सेलिंग दिखाई दे रही है। तो आपको सिंपल सा इतना देखना है कि अगर ये मार्केट देखिए नीचे की साइड इस जगह 35,700 के नीचे निकलता है, तो आपको इसके नीचे कहीं ना कहीं एक आपको सेलिंग
देखने को मिल सकती है। अगर इसके नीचे निकलता है तो 35,700 का हम इस जगह पीई बाइंग करके चल सकते हैं। अब ये कंडीशन आपका एक ही होना चाहिए कि गैप के साथ नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट गैप के साथ पहले से ही नीचे की साइड ओपन हो जाएगा तो उसका देखिए हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, उस कंडीशन में हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे अगर मार्केट नीचे की साइड पहले से ही ओपन हो जाता है। अगर मार्केट देखिए इस जगह थोड़ा देखिए कंसोलिडेट करने के बाद जब इसको मार्केट नीचे की साइड क्रॉस करता है 35,700 के लेवल को, जब भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, पीई बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में देखिए एक तो जे वाला गैप है, जे आपको मार्केट कहीं ना कहीं इसको फिल ही कर चुका है आज के दिन। एक छोटा सा गैप आपको नीचे की साइड और दिखाई देता है। देखिए एक चीज आपको समझना है कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर की साइड जाता जाएगा वैसे वैसे देखिए मार्केट में आपको पीई बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बनती जाएगी। क्योंकि मार्केट में देखिए ऊपर के लेवल से आपको सेलिंग भी देखने को मिलेगी। अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता भी है तो वहां से नीचे आएगा भी। इस चीज को आप समझिए, आंख बंद करके आपको देखिए पूरा ट्रेडिंग नहीं करना। अगर आपने बिल्कुल आंखें बंद करके रखी है तो उसको देखिए ट्रेडिंग नहीं करना, आपको आंखें खुली रखना है। ऊपर की साइड आपको सेलिंग भी करना है, मार्केट अगर ऊपर से जाता है तो वहां पे हमको बाइंग भी करना है। तो सिंपल सा, अगर 35,700 के नीचे जाता है हम पीकी बाइंग करेंगे। फिर हमारा देखिए टारगेट क्या हुआ, इस चीज को और समझिए कि यहाँ पे देखिए आपको 1 आवर्स का चार्ट देखना है। ठीक है, किसका चार्ट देखना है, 1 आवर्स का चार्ट। इस चार्ट पे देखिए अगर मार्केट नीचे की साइड जाता है तो आपको फिर नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि 35,600 का आपको होगा पहला लेवल। दूसरे लेवल की बात करें तो यहाँ पे 35,500 का, और लास्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो 35,400 का। देखिए अगर आपने वीडियो बिल्कुल पूरा देखा है तो आपको हर चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ कि बड़ी तेज़ी या बड़ी मंदी आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, और ये काफ़ी लोग आप देखिए इसको पसंद करते भी हो। तो मैं आपको देखिए यहाँ पे बता देता हूँ कि बड़ी तेजी या बड़ी मंदी आपको कहाँ से देखने को मिल सकती है। देखिए बड़ी तेजी तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि बड़ी तेजी आपको जब भी देखने को मिलेगी जब 36,100 के ऊपर जाएगा, यानी जो आपका एक कैंडल है ओपनिंग इस जगह, लेकिन क्लोजिंग ऊपर की साइड देना चाहिए आपके। देखिए बड़ी गिरावट आपको जब भी देखने को मिलेगी जब मार्केट आपका देखिए 35,700 के नीचे जाएगा, यानी जो मार्केट का एक कैंडल बना है ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे की साइड। ठीक है, ये हमारा होगा देखिए लो पॉइंट। अगर इसके नीचे आता है तो मार्केट में एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ये आपका हमारा एक हाई पॉइंट, इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। दोनों चीजें मैंने आपको काफी अच्छे से समझा के रखा है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। किस बात की देरी है, और आज का वीडियो का लाइक का एम है हमारा 1,000 लाइक होगा तो उसको भी बिल्कुल पूरा कीजिए, और बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।